वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। लॉन्ग आंसर टाइप की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा ग्लूकोज को समझाइए। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसको देख लीजिए जाके। अब हम बात करेंगे, कह रहा ग्लूकोज को समझाइए अथवा ग्लूकोज की संरचना दीजिए। एक्सप्लेन ग्लूकोज और गिव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दूसरा पूछ रहा है, कह रहा ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि दीजिए। ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ग्लूकोसाजोन हो सकता है, फ्रक्टोसाजोन हो सकता है, तो ये बनाने की हमसे क्रिया पूछ रहा है। थर्ड पूछ रहा है कि निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे। नीचे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको आप किस तरह से परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन में पहला दे रखा है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, या इसी को किस नाम से जानते हैं, एल्डोज को कीटोज में, किसमें, एल्डोज इनटू कीटोज। सेकंड है फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, अभी क्या था, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, अब क्या करना है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है, उल्टा करना है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कीटोज को एल्डोज में, कीटोज इनटू एल्डोज। जब ये उल्टा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है अरेबिनोज को ग्लूकोज में, अरेबिनोज को ग्लूकोज में, और या इसको क्या कहते हैं, किलियानी फिशर संश्लेषण, क्या कहते हैं, किलियानी फिशर संश्लेषण, और इसी को कहते हैं पेंटोज को हेक्सोज में, क्या, पेंटोज को हेक्सोज में, ठीक है। तो ये इसके तीन नाम सेम है, इनमें से कुछ भी दे रखा हो, अगर अरेबिनोज को ग्लूकोज में, या आपका आ जाएगा किलियानी फिशर संश्लेषण, या आपका आ जाएगा पेंटोज को हेक्सोज में, तो ये तीनों क्या है, सेम है आपके, ठीक है, एक ही रिएक्शन इनमें होनी है और तीनों आपके सेम है। फोर्थ पॉइंट आपका दे रखा है, ये आपका है फोर्थ पॉइंट, मिट गया था, ठीक है, लिखा लिख लेना, ग्लूकोज को अरेबिनोज में, किसमें, ग्लूकोज को अरेबिनोज में, या आपका है हेक्सोज को पेंटोज में, या इसी को क्या कहते हैं, रफ निम्न कोटीकरण, क्या कहते हैं, रफ निम्न कोटीकरण या रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, तो ये भी तीनों एक ही है। तो ये आपके पास चार रिएक्शंस हैं जिनमें आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा था कि ग्लूकोज को समझाइए, क्या करिए, ग्लूकोज को समझाइए और इसकी संरचना भी दीजिए। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, आंसर आपका आ दे रखा है, जिसमें ग्लूकोज अथवा ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज बताना है और उसकी संरचना को हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बायर किसमें, 1870 में, 1870 में बायर ने आण्विक सूत्र, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक तथा अन्य कुछ गुणों के आधार पर, किस पर, अन्य कुछ गुणों के आधार पर ग्लूकोज की निम्न विवृत, विवृत मीन ओपन या खुली, ठीक है, ओपन या खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला संरचना प्रस्तावित की थी, किसके आधार पर, आण्विक सूत्र, ठीक है। ये जो आपको स्केलेटन दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, C6H12 और O6, ये आपका क्या हो जाता है, आण्विक सूत्र, ठीक है, आण्विक सूत्र, आण्विक सूत्र। और हाइड्रोक्सी, क्या, ये जो OH ग्रुप लगे हुए हैं इनको कहते हैं हाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं, OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइडिक, ये जो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसको कहते हैं एल्डिहाइडिक, ठीक है, एल्डिहाइडिक। तथा अन्य कुछ गुणों के आधार पर ग्लूकोज की निम्न विवृत श्रृंखला प्रस्तावित की थी, किसने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बायर ने, कब, 1870, 1870 में। तो ये इसके कुछ गुण हैं जिनके आधार पर ये श्रृंखला इन्होंने प्रदर्शित की थी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा, और उसका आण्विक सूत्र होगा, इसी के आधार पर, लेकिन इस संरचना से निम्न तथ्यों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। ये जो संरचना आपको ऊपर दे रखी है, इससे कुछ निम्न नीचे आपके कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इनका स्पष्टीकरण इससे नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है, ये हम जानेंगे। तो ये कुछ बड़ा हो गया है और ये आ गया। नंबर एक कह रहा है कि ग्लूकोज शिफ अभिकर्मक के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, शिफ अभिकर्मक,
एक ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है जो कि किसी जिसका हमें एनालिसिस करना होता है, जिसका विश्लेषण करना होता है, उसमें ये पता लगाता है कि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है। ये फिर भी क्या करता है, शिफ अभिकर्मक के साथ में कोई रंग उत्पन्न नहीं करता। दूसरा क्या है, NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड के साथ योगशील यौगिक नहीं बनाता है, ठीक है, ना रंग उत्पन्न करता है ना ही योगशील यौगिक बनाता है, ठीक है। थर्ड, यह म्यूटा रोटेशन दिखाता है, केवल क्या दिखाता है आपका, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, ठीक है, अल्फा और बीटा फॉर्म। थर्ड कह रहा है, फोर्थ, ग्लूकोज CH3OH तथा शुष्क HCl गैस से क्रिया करके दो समावयवी अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, किसके साथ में, CH3OH और शुष्क HCl के साथ में क्रिया करके दो समावयवी अल्फा और बीटा, ठीक है, मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को समझाइए। तो ये हमने समझा दिया कि ग्लूकोज क्या होता है, इसकी अब क्या है, चक्रीय संरचना, ठीक है। अब किसकी चक्रीय संरचना के बारे में हम देखते हैं कि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है या रिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। चक्रीय संरचना, रिंग स्ट्रक्चर, नंबर एक, टॉलिन तथा टॉर्नेट, क्या टॉलिन तथा टॉर्नेट ने ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए चक्रीय संरचना, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर की, रिंग स्ट्रक्चर दी, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइडिक यानी कि CHO समूह कार्बन नंबर 4 के OH समूह के साथ क्रिया कर ऑक्साइड रिंग बनाता है, किसके, कार्बन नंबर 4 के OH के साथ में, ठीक है, जो फोर्थ कार्बन होगा उसके साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड रिंग बना लेगा, ठीक है। कह रहा है, रिंग बनाने के कारण एल्डिहाइड कार्बन परमाणु असंमित हो जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन होता है एल्डिहाइड वाला, वो अब कैसा हो जाएगा आपका, असंमित हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड जो फर्स्ट कार्बन था जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, वो अब कैसा हो जाएगा, असंमित हो जाएगा, ठीक है, असिमेट्रिक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज अल्फा तथा बीटा दो रूपों में पाया जाता है। ग्लूकोज कितने रूपों में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से दो रूप है, यहाँ पर देख लो, ये रहे आपके दो रूप, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज, और ये आपका क्या दे रखा है, ये प्लस 110 स्पेसिफिक रोटेशन होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो अल्फा ग्लूकोज, और ये आपका क्या है, बीटा ग्लूकोज, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म से, ठीक है, ये इसी से दोनों उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म से। यहाँ पर देखो, ये जो पहला कार्बन है, और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहले और चौथे कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, पहले और चौथे कार्बन के बीच में, इसमें जो OH लगा हुआ होता है यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और पहले और चौथे कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, एक ऑक्साइड रिंग बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो बीटा ग्लूकोज की सेम इसमें भी यही होता है, ठीक, इसमें बट इतना अंतर याद रखना है कि इसमें जो आपका पहला OH ग्रुप लगा है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है, ठीक है, और बीटा ग्लूकोज में कहाँ है आपका पहला OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पहले और चौथे वाले कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक ऑक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो OH लगा हुआ था इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये OH ऑक्सीजन पहले कार्बन के साथ में क्या कर लेगा, एक रिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कह दिया, बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ये इनका स्पेसिफिक रोटेशन। अगर अल्फा ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 110 डिग्री, ठीक है, इसका कितना होगा, 19.7, ये पॉइंट कम भी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 19.7 भी हो सकता है और ये 20 भी हो सकता है, ठीक है। और ये अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें, एल्डिहाइडिक फॉर्म की बात करें, तो इसका कितना होता है स्पेसिफिक रोटेशन, प्लस 52.50, ठीक है, तो ये कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये दो फॉर्म इसकी हो गई। इसके बाद टॉर्नेट और आयल ने क्या कहा था, टॉर्नेट और ऑलन, ठीक है, टॉर्नेट और आयलन के सुझाव के समर्थन में ग्लूकोज के दोनों रूपों, दोनों रूप कौन से, अभी हमने देखे थे अल्फा और बीटा को अलग अलग प्राप्त किया, जिनके विशिष्ट गुणन क्रमशः कितने थे, 110, ठीक है, ये किसका था आपका, अल्फा वाले का, और 19.7 ये किसका था आपका, बीटा वाले का, ठीक है।
पाए गए। दोनों को अलग अलग जब देखा तो इनका जो विशिष्ट घूर्णन था वो क्रमशः कितना पाया गया था, 110 जो कि अल्फा ग्लूकोज का था और 19.7 किसका था, बीटा ग्लूकोज का था। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके विशिष्ट घूर्णन थे। कह रहा रिंग संरचना ग्लूकोज की सभी क्रियाएं व्यक्त करती है, रिंग संरचना ग्लूकोज की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को व्यक्त करती है। ठीक है, ये रिंग संरचना हमने जो पहले पढ़ी थी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्योंकि सी एच ओ मुक्त मूलक नहीं है, सी एच ओ फ्री स्टेट में इसमें नहीं पाया जाता है चक्रीय श्रृंखला में। ठीक है, एन एच एस ओ थ्री, ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड एन एच थ्री तथा शिव अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, शिव अभिकर्मक के साथ में ये अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन रिंग जो है अधिक स्थायी नहीं होती है, जो रिंग होती है वो अधिक स्थायी नहीं होती है। ठीक है, प्रबल अभिकारकों से खुल जाती है, प्रबल अभिकारकों से ये खुल जाएगी, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, और इनसे ये रिंग खुल जाती है। उसके बाद क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, म्यूटा रोटेशन, मिथाइल ग्लूकोसाइड के अल्फा तथा बीटा दो समावयवों का बनना इत्यादि गुण स्पष्ट होता है। कौन सा, दो समावयवों का बनना इत्यादि गुण इसका स्पष्ट हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है, सभी रिएक्शन जो है दिखाता है, शो करता है। ठीक है, दूसरा रिंग का आकार, अगर हम साइज ऑफ रिंग की बात करें तो हैवर्थ और हस्ट तथा अन्य रसायनों के कार्यों से, हैवर्थ और हस्ट और इनके साथ में कुछ इनके को वर्कर भी थे जो इनके साथ में काम कर रहे थे, उनके साथ ज्ञात हुआ कि ग्लूकोज में पांच सदस्यीय ऑक्साइड रिंग ना होकर 6 सदस्यीय रिंग किसकी होती है, अमाइलिन ऑक्साइड की, किसकी, अमाइलिन ऑक्साइड रिंग होती है। 5 सदस्यीय ऑक्साइड रिंग ना होकर 6 सदस्यीय अमाइलिन ऑक्साइड की रिंग होती है। ठीक है, यह रिंग कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में होती है, कार्बन 1 और कार्बन आपका जो 5th होता है इसके बीच में होती है ये रिंग। ठीक है, किसके, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में होती है। इसकी पुष्टि निम्न क्रिया द्वारा ट्राइमिथॉक्सिक ग्लूटारिक अम्ल बनने से होती है, किससे होती है, निम्न क्रिया द्वारा ट्राइमिथॉक्सिक ग्लूटारिक अम्ल बनने से इसकी पुष्टि होती है, किसकी, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्साइड रिंग होती है। तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं, C6H12O6। जब इसका हम मेथिल एल्कोहल के साथ में HCl की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका, यहाँ से ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, पहला जो कार्बन है, पहला इस वाले कार्बन से आपका क्या लग जाएगा, OCH3, क्या लग जाएगा, OCH3, और इसी कार्बन से, पहले कार्बन से और आपके ये पांचवें कार्बन से ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या है आपका CH2OH, और ये आपका CHOH था, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन ने पहले कार्बन के साथ में ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, तो ये क्या है आपका, और इसकी जब रिएक्शन हम करते हैं CH3 का होल ट्वाइज SO4 किसके साथ, CH3 का होल ट्वाइज SO4 किसकी प्रेजेंस में, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक सेम इसी की तरह एक दूसरा हमें यौगिक मिल जाता है। ठीक है, सेम इसी की तरह एक आपको दूसरा यौगिक मिल जाता है, लेकिन उसमें होता क्या है, इसमें जो OCH3 अभी उसमें राइट हैंड साइड लगा हुआ था, लेकिन ये क्या हो जाता है, अपोजिट साइड आ जाता है, किधर आ जाता है, अपोजिट साइड आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर आपका कहलाता है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, क्या कहलाता है, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड कहलाता है। ठीक है, ये वाला और ये दोनों, ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड कहलाते हैं आपके ये दोनों स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें होता क्या है, ये कहाँ आ जाता है, इधर अपोजिट साइड आ जाता है। ठीक है, OCH3 और बाकी आपकी पूरी कहानी सेम टू सेम रहती है। ठीक, पूरी कहानी आपकी सेम टू सेम रहती है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके ये कहलाते हैं अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ वो आपका अल्फा पोजिशन पर लगा हुआ। इसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जल के साथ इसकी जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, जब जल के साथ आप रिएक्शन करोगे
तो यहां से ये जो आपका सी एच थ्री लगा हुआ है, यहां से सी एच थ्री ओ एच बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका सी एच थ्री और ओ एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन इस तरह से जब हम इसको लगाएंगे एच और ओ एच, तो ये बाहर निकल जाएगा सी एच थ्री ओ एच, और क्या रह जाएगा ओ एच रह जाएगा, ठीक है, कब, जब हम इसकी रिएक्शन जल के साथ करा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीडेशन करा देना, क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन करा देना है, ठीक है, क्या करना है इसका ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो जहाँ पर भी सी एच ओ ग्रुप होता है वो सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, सी एच ओ ग्रुप सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, यहाँ से भी ये सी एच थ्री ओ एच को बाहर निकाल देगा, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका सी एच ओ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है ये भी सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ था ये भी क्या हो जाएगा आपका सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तब। अब यहाँ पे देखो एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, आपके तीन मिथाइल रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, क्या हो जाएगा आपका ये ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, इसमें आपको तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राई मिथाइलिक ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, नेक्स्ट कह रहा है अगर अगर क्या करें, यदि रिंग वन और रिंग में जो कार्बन नंबर पहला है और चौथा है के बीच होती, अगर रिंग किसके बीच होती, पहले और चौथे कार्बन के बीच में जो हमारी रिंग बनी हुई थी ऑक्सीजन की, वो अगर यहाँ पर होती तो ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटारिक अम्ल के स्थान पर क्या होता आपका डाइमिथॉक्सी डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक अम्ल बनता, क्या बनता, डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक अम्ल बनता, अगर ये जो ऑक्साइड रिंग है वो पहले और चौथे कार्बन के बीच में होती, तो यहाँ पर केवल आपको दो सी एच थ्री मिलते देखने को, ठीक है, कितने मिलते, दो सी एच थ्री मिलते देखने को, तो इसलिए ये क्या बन जाता, डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक अम्ल बन जाता, ठीक है। सी पॉइंट कह रहा है पाइरेनोज संरचना, कौन सी, पाइरेनोज संरचना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कह रहा है एमिलीन ऑक्साइड रिंग को पाइरेनोज रिंग भी कहते हैं, एमिलीन ऑक्साइड रिंग को हम क्या कहते हैं, पाइरेनोज रिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, नाम निम्नलिखित विषम चक्रीय पाइरेन के आधार पर रखा गया, हैवर्थ 1926 ने पाइरेन के समान एल्फा तथा बीटा ग्लूकोज की अग्र संरचनाएं प्रतिपादित की थी, क्या की थी, अन्य निम्न संरचनाएं प्रतिपादित की थी, किसने, हैवर्थ ने, कब, 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है, एल्फा और बीटा ग्लूकोज की संरचनाएं प्रतिपादित की थी, ये रही आपकी एल्फा और बीटा ग्लूकोज की संरचना, ये क्या आपका पाइरेन है, क्या है, पाइरेन है, ठीक है। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज सी इज फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म, ये लिखा है आपका सिस फॉर्म, ठीक है, क्या है, सिस फॉर्म लिखा है, ठीक है, सी इज नहीं है, सिस फॉर्म, तो ये आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कार्बन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन, तो पहले और पांचवें कार्बन के बीच में जो ऑक्साइड रिंग है वो कुछ इस तरह से इन्होंने उसको जोड़ दिया, पहले कार्बन पे जो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH रहता है वो फर्स्ट कार्बन पे आपका राइट हैंड साइड पे रहता है, सेकंड पे कहाँ आ जाता है आपका, सेकंड कार्बन पे भी राइट हैंड साइड में रहता है, थर्ड कार्बन पे कहाँ आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और फोर्थ कार्बन पे कहाँ आ जाता है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। फिफ्थ कार्बन से क्या लगा होगा, ऑक्सीजन, जो फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन से लिंक होगा, सिक्स कार्बन पे क्या रहेगा आपका भाई सी एच टू ओ एच रहेगा, ठीक है, सेम अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म बात करें अगर हम, तो ये क्या है आपकी सिस फॉर्म है, तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में अगर आप देखोगे तो दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ये OH OH दोनों आपको सेम साइड नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, सिस फॉर्म कह दिया। ट्रांस की अगर हम बात करें तो इसकी दूसरा आपका बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये कैसी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, ठीक है, ग्लूकोज की, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, तो पहले और दूसरे कार्बन के बीच अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन, एक OH इधर है, दूसरा OH आपका ऊपर है, एक OH नीचे है, दूसरा ऊपर, तो ये कैसी फॉर्म को दर्शाएगा, ये ट्रांस, क्या हो जाएगा, ये ट्रांस फॉर्म को दर्शाएगा, ठीक है,
तो हम आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो कैसा सिस फॉर्म में रहता है, बीटा डी ग्लूकोज वो कौन सी फॉर्म में रहता है आपका ट्रांस फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक्सरे विश्लेषण द्वारा भी पाइरेनोज सूत्र की पुष्टि होती है, किसके द्वारा, एक्सरे विश्लेषण द्वारा भी पाइरेनोज सूत्र की पुष्टि की जा सकती है। अब ओसाजोन की क्रियाविधि, ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है अब हमें ये देखना है, ठीक है। ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन वगैरह वगैरह, ओसाजोन की क्रियाविधि, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कह रहा है ग्लूकोज व फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजिन, क्या, फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है, C6H5NH, और ये आपका NH2, ये होता है आपका फिनाइल हाइड्राजिन C6H5NH2 की अधिक अधिकता में, यानी कि ये कैसा होगा, एक्सेस में होगा, ठीक है, अधिक मात्रा में होगा, क्रमशः ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन बनते हैं। क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन बनता है कब, जब ग्लूकोज व फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजिन की अधिकता में क्रिया करता है, तो क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन का निर्माण होता है। ये वैज्ञानिक थे भाई साहब बैकेंड बैकेंड, इन्होंने 1940 में बताया कि ओसाजोन का बनना एमेडोरी पुनर्विन्यास, क्या कहलाता है, एमेडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एमेडोरी रीअरेंजमेंट द्वारा होता है, किसका, ओसाजोन का फॉर्मेशन। ये किन्हें बताया था, वैगंड ने, कब बताया था, 1940 ईस्वी में बताया था, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। संपूर्ण क्रियाविधि कुछ इस तरह से है, तो ये क्रियाविधि देख लो इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये आपका आ गया ग्लूकोज, क्या आ गया, ग्लूकोज, ठीक है, एक दो, इसमें तीन कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, और ये छठा कार्बन। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने किससे करी थी, हाइड्राजीन से करी थी, किससे, C6H5NH2, इसके साथ में आपको क्या करना है, रिएक्शन करना है, ठीक है, ग्लूकोज फर्स्ट मोल, यानी कि इसका एक मोल के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्राजीन के एक मोल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसके एक मोल के साथ में रिएक्शन जब ये करेगा, तो ये कहाँ पर रिएक्शन करता है, जहाँ CHO यानी कि कार्बन से सीधे ऑक्सीजन लगा रहता है डबल बॉन्ड द्वारा, ये केवल वहीं पर जाके अटैक करता है। जब वहाँ पर अटैक करता है तो इसका जो NH2 ग्रुप लगा रहता है, NH2 NH C6H5, तो यहाँ से ये H2 को साथ में लेकर क्या बना लेता है, जल बना लेता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन कार्बन से जाके लग जाता है। तो ये इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन दो और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, जल का निर्माण कर देंगे, क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, और ये जो नाइट्रोजन बचा हुआ है डबल बॉन्ड से इस वाले कार्बन से कुछ इस तरह से अटैच आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा था वो हट गया और दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जो लगे हुए थे वो चले गए, ऑक्सीजन के साथ में जल का फॉर्मेशन करके बाहर निकल गए, और ये आपका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आपका लग गया आपका, ठीक है। बाकी आपका सेम जो का तो रहेगा CHOH, और CHOH का होल थ्राइड CH2OH, क्या है, CH2OH। अब क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप, इसको कुछ यहाँ, अब इसका इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लाके दोबारा से इसको देखो, इसमें करा क्या है, अरेंजमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है देखो, ये यहाँ पर देखो इनने करा गया, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन कुछ यहाँ पर लिख लो, इसको मिटा दो, मान लो ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इन्होंने क्या किया है, ये बॉन्ड रीअरेंज कर दिया, क्या कर दिया, इस बॉन्ड को मान लो हमने यहाँ तोड़ दिया, ठीक है, ये बॉन्ड जब वहां टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, मान लो इस पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ, माइनस का चार्ज आ गया, और इस पे कैसा आ गया, इस वाले पे प्लस का चार्ज आ गया, ठीक है, प्लस और माइनस। अब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को भी इस कार्बन से तोड़ दो, तो इस कार्बन से जब इसको तोड़ोगे तो इस पे कैसा आ जाएगा, माइनस, इस पे प्लस का आ जाएगा, इस पे कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो ये वाला दोबारा से जाके कहाँ पहुंच जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ में, और इस वाले कार्बन पहले और दूसरे के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया कार्बन नंबर पहले और दूसरे के बीच में, और दूसरे कार्बन का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया, नाइट्रोजन के साथ पहुँच गया। जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा था तो नाइट्रोजन पे कैसा आ गया था, निगेटिव चार्ज आ गया था जो कि हाइड्रोजन जाके वहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म, ये स्टेज यहाँ पर है इसकी। ठीक है, हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो यहाँ से हाइड्रोजन जाके नाइट्रोजन के पास में लग गया। ठीक है, पहले नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन नहीं था। इसके बाद ये आपकी ऊपर वाली स्टेज है। अब इन्होंने क्या करा है? देखो ये इनको देखो, दोनों ये पूरी स्टेज, ये लगा हुआ आपका CH2, पहले क्या है CH। अब देखो यहां पर CH2 कहां से आ गया, CH2 को लाने के लिए इन्होंने क्या करा है, इस वाले बॉन्ड को दोबारा से रीअरेंज कर दिया। ठीक है, इस बॉन्ड को इन्होंने दोबारा से रीअरेंज कर दिया। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, जब ये निकलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो ये इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, दोबारा इस वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, पहले क्या है एक हाइड्रोजन और एक OH वाला हाइड्रोजन जाके दोबारा से यहाँ पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 और NH, और क्या है NHC6H5, क्या है NHC6H5। अब यहाँ क्या रह गया आपका, केवल COO समूह रह गया। ठीक है, ये पूरी स्टेज, बाकी आपका जो कहते हैं CH3OH का उल्टराइड और CH2OH। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ की बाद की कहानी इधर से है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा हल्का छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना ये। इसके बाद की कहानी आपकी, इसके बाद यहां से कहानी है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, सेकंड मोल ले लिया। ठीक है, अब इसके हमने पहले मोल एक मोल के साथ ट्रीट कर दिया था, अब हमने हाइड्रोजन का सेकंड मोल ले लिया। ठीक है, यानी कि दोबारा से हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। जब दोबारा से रिएक्शन करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये जो NH2 लगा रहता है, NH2 NHC6H5, इसका ये क्या हो जाएगा, H2O के साथ में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन दोबारा से इस कार्बन से लग जाएगा। सेम कहानी जैसे कि पहली स्टेप में हमने देखी थी, अब वो दूसरे कार्बन पे हो रही है। ठीक है, पहले पहले कार्बन पे घटित हुई थी, अब कहाँ, दूसरे कार्बन पे सेम प्रोसेस होगी हमारी। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, अब आपका दूसरे कार्बन पर लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद जैसा ये है सेम वैसा ही आपका क्या हुआ, यहाँ पर भी रीअरेंज हुआ है। ठीक है, किसका, बॉन्ड का। इस बॉन्ड को हटाने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, ये बॉन्ड मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे, और इस कार्बन पहले और दूसरे के बीच में क्या आ जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। ये जो CH2 पे दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ था ये एक टूट के कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में आ जाएगा, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक, बाकी आपका नीचे ज्यों का त्यों है, ये आपकी होगी थर्ड स्टेप। इसके बाद देखो ग्लूकोसा जोन कहाँ पर बने जाके, इसको देख लो पहले। ये हो गई आपकी स्टेप। ठीक है, जब दूसरे मोल के साथ आप क्रिया करा रहे हैं, तो अब देखो इसमें क्या हुआ, -C6H5NH2। अब ये इतना भाग इसका बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिनाइल अमीन। ठीक है, इतना भाग इसमें क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है, कौन सा, C6H5NH2। ठीक है, C6H5 और NH2, ये भी हाइड्रोजन ले लो साथ में। अब हो गया C6H5NH2, जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक, कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा अब आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला गया, कहाँ चला गया, अब वो यहाँ पर आ गया, या इसके साथ में चला जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक जगह आ जाएगा, बाकी आपका नीचे ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठीक, या इसको या इस तरह से लिख सकते हैं, अभी हमने कहाँ से हटाया था, अभी हमने दूसरे कार्बन से हटाया था। ठीक है, हाइड्रोजन,
अब हम क्या कर सकते हैं, या पहले कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो, तब भी वही बनेगा आपका सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है, जो दूसरे कार्बन पे है। इसके बाद ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके बाद दोबारा हमने क्या करा, थर्ड मोल ले लिया, क्या ले लिया, अब हमने तीसरा मोल ले लिया किसका, हाइड्रोजन का, फिनाइल हाइड्रोजन का तीसरा मोल, यानी कि तीसरी बार इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, किससे, ग्लूकोज से। तो तीसरी बार जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें NH3 बाहर निकल जाएगा, ये ध्यान रखना, क्या NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब देखो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जाके कहाँ पर अटैक करेगा, वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, या कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो किसी भी एटम के साथ में, ठीक है, तो वहीं पर जाके ये अटैक करेगा। तो कहाँ पर लगेगा जाके, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस पहले कार्बन पे ये दोबारा से लग जाएगा। जब दोबारा से लगेगा तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NH लगा हुआ है, तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। अब दोबारा जो आएगा आपका NH2, यहाँ से कुछ इस तरह से NH2 और NH C6 H5, तो यहाँ से NH3 आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, NH3 बाहर निकल जाएगा और ये आपका लग जाएगा, क्या लग जाएगा, C6H5NH और N, यहाँ से क्या हो जाएगा, C6H5NH और N आके आपका यहाँ पर लग जाएगा। चाहे आप यहाँ पर लगा लो इस वाले कार्बन पे, चाहे आप पहले वाले कार्बन पे लगा लो, ठीक है, सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन की बैलेंस ही गड़बड़ा जाएगी। अब देखो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो ये जो हमारा बनता है, ठीक है, ये जो हमारा बनता है, कार्बन नंबर पहले पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, कार्बन नंबर दूसरे पर भी हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसी को हम कहते हैं ग्लूकोसा जोन, क्या कहते हैं, ग्लूकोसा जोन, ठीक है, ये बन गया आपका ग्लूकोसा जोन, क्या बन गया आपका, ग्लूकोसा जोन। इसी तरह से अगर आप फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करते तो वहां पर क्या बन जाता, फ्रक्टोसा जोन आपका बन जाता, ठीक है। दूसरा सा कन्वर्जन कह रहा है, सा इसमें क्या पूछा है, ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज और एल्डोज इंटू कीटोज, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना है या एल्डोज को कीटोज में, ठीक है, दोनों एक ही फॉर्म है, तो ग्लूकोज को हमें क्या कहाँ बनाना, बनाना फ्रक्टोज बनाना ग्लूकोज का, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, CH2OH और CHOH का होल थ्राइज, CHOH CH2OH, ठीक है। यहाँ पर ये छठा कार्बन है आपका, जहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये फिफ्थ कार्बन, ये पहला कार्बन, दो तीन चार, इसमें कितने हैं, चार कार्बन, तीन कार्बन, एक दो चार पाँच छ, ठीक है। इसकी रिएक्शन दोबारा से हमें किसके साथ में करनी है, फिनाइल हाइड्राजिन के साथ में, ठीक है, किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजिन की अधिकता में जब आप इसके इसकी रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, ये वहीं जहाँ CHO ग्रुप लगा होगा आपका, वहाँ पर जाके क्या बना लेगा, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो, पाँच और छः, कार्बन नंबर पाँच और छः दोनों पर आपका CHO ग्रुप दिखाई दे रहा, तो ये दोनों जगह एक ही साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, पाँच नंबर कार्बन पे और छः नंबर कार्बन पे, तो ये आपका एक भाग यहाँ और दूसरा यहाँ, एक ही साथ में ले लिया अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक, पहले हम दो को अलग अलग करा था, तीन मोल लिए थे, सबकी अलग अलग रिएक्शन की थी, अब उन्होंने दो को एक ही बार में ले लिया, जो कि एक पांचवें कार्बन पे और एक छठे कार्बन पे जाके लग जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या कहला रहा था, ग्लूकोसा जोन कहला रहा था, क्या कहला रहा था, ग्लूकोसा जोन कहला रहा था, ठीक। अब क्या करना है, ग्लूकोसा जोन बन गया, अब ग्लूकोसा जोन को क्या करना है, ग्लूकोसा जोन का HOH के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन HOH के साथ में रिएक्शन करानी है, तो ऊपर वाला तो आपका सेम रहेगा CHOH और CH3OH का होल टू एच, यहाँ से आपका क्या होगा, इस वाले कार्बन पे जो लगा हुआ है ये, और फिफ्थ वाले कार्बन, सिक्स वाले कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2HCl की उपस्थिति में HOH के साथ में जब रिएक्शन करोगे आप इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से लगा लो, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा NH2NH C6H5 बाहर निकल जाएगा, NH2NH C6H5 और ये जल का ऑक्सीजन कार्बन के साथ में लग जाएगा आके, ठीक है, यहाँ पर जो लगा हुआ है,
इसमें क्या होगा, इसकी भी इसी तरह से रिएक्शन करोगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ, तो इस बॉन्ड को जब तोड़ोगे आप तो ये ऑक्सीजन यहाँ रोक लोगे और दोनों जल के हाइड्रोजन इस वाले ग्रुप के साथ में बाहर निकाल दोगे, ठीक है, जो कि आपका दोबारा से वही फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं C6H5NH और NH2, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन आपके जल से आ रहे हैं, तो ये दोनों फिनाइल हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कार्बोनल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, पांचवा और छठा कार्बन। तो ये आपका कार्बन, ये एल्डिहाइड बन गया, ये क्या है, ग्लूकोसा जोन, क्या ग्लूकोसा जोन का ही फार्मूला मतलब भाग है, ठीक है, उसी का डेरिवेटिव है। अभी ये क्या था, ग्लूकोसा जोन था, यहाँ से हमने क्या करा, फिनाइल हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जल के साथ अभिक्रिया करके, किसकी उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl4 की उपस्थिति में। अब हमने क्या करना है, जिंक की उपस्थिति में CH3COOH के साथ में अभिक्रिया कर दो, ये क्या आपका एसिड, एसिड क्या काम करता है, प्रोटॉन देने का काम करता है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर होता है, तो ये दो हाइड्रोजन को दे देगा। पहला क्या है, पहले कार्बन पे आपका CHOH लगा रहेगा, दूसरे और यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या होगा, CHOH का होल थ्रेज, यानी कि तीन बार आपके यहाँ पर CHOH लगे रहेंगे। अगला क्या है आपका CO, ठीक है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से दो प्रोटॉन मिलेंगे आपको, वो कहाँ पर आ जाएंगे, जो सिक्स नंबर कार्बन पे आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है, CH2OH, क्या बना लेगा, CH2OH, ये दोनों प्रोटॉन आपके कहाँ आ जाएंगे, छठे कार्बन पे आ जाएंगे और CH2OH का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, फ्रक्टोज बन गया। क्या पूछ रहा था आपसे, ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज, ठीक है, तो ग्लूकोज से कहाँ पहुंच गए हम, फ्रक्टोज में पहुंच गए, या एल्डोज से कीटोज में पहुंच गए, ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज एल्डोज कीटोन। नेक्स्ट कह रहा है फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज, अब क्या बनाना है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में पहुंचना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज का सूत्र लिख लो, और फ्रक्टोज से हमें धीरे धीरे कहाँ पहुंचना है, ग्लूकोज की ओर पहुंचना है, ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज और कीटोज इंटू ग्लूकोज या एल्डोज, तो ये आपका हो गया फ्रक्टोज, ठीक है, क्या हो गया, CH2OH, CHOH का होल थ्राइज, CO और CH2OH, ठीक है, ये आपका सिक्स कार्बन है। ग्लू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, लेकिन ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना। अच्छा, निकिल के साथ, निकिल की उपस्थिति में जब इसका प्रोटोनेशन किया जाता है तो क्या होगा, प्रोटोनेशन करने पर यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जाके जहाँ पर CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ में अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, CHOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, बाकी सेम ज्यों का त्यों बना हुआ, ये दो प्रोटॉन जो हैं निकिल की उपस्थिति में, निकिल चूड़ की उपस्थिति में क्या कर लेंगे, ये जाके कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो जाएंगे और CHOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, बाकी ये सेम है। और इसी पोजीशन को या इसी स्टेप को हम कहते हैं सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल, क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल, ठीक है, आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल, ठीक है, स्ट्रक्चर दे रखा होगा और आपसे कहेगा, कोई भी पूछ सकता है कि ये सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल क्या होता है, तो बस आपको क्या बताना है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज की अभिक्रिया किसी निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करा दो, तो जो CO ग्रुप होता है सिक्स का, फिफ्थ वाले कार्बन का, वो CHOH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी स्टेप को सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल के आगे की कहानी कुछ इस तरह है, ये देखो, पहले ये आपका बन गया सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल, इसका दोबारा से क्या कर दिया, इसको यहाँ से ला के ये ऐसे बना दिया, ठीक है, जिसका HNO3 के साथ, HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, CHOH कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, किसमें, COOH में, ये सिक्स वाला कार्बन जो है CH2OH, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, कब, जब सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल का हम ऑक्सीकरण करा देंगे HNO3 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसी को क्या कर दिया, थोड़ा हीट कर दिया, ठीक है, किसको, ग्लूकोनिक एसिड को थोड़ा सा हीट कर दिया, हीट करने पर आपको क्या मिलेगा हीट कर दोगे तो वहां से जितना पानी होगा, कुछ पानी की मात्रा होगी, वो बाहर निकल जाएगी, ठीक
बाहर निकल जाएगी तो हमें यहाँ से कुछ इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा CH2OH, CHO, CH, और ये आपका क्या है, ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर CH2OH, CHOH। अभी जो ब्रेकेट में बंद थे आपके CH और OH का होल थ्रैच, इनको अब क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ये जो दूसरे नंबर से तीन CHOH3 CHOH ब्रेकेट के अंदर थे, उनको अब क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक दो तीन। और फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या आपका CHOH, सिक्स वाले कार्बन पे क्या आपका COOH, तो ये यहाँ पर इनको बाहर निकाल लो कुछ इस तरह से CH2OH, CHOH एक और CHOH कितने होगा, दो, CHOH तीन, और इसके नीचे भी आपका क्या था CHOH, और यहाँ पर क्या था आपका COOH। अब COOH इसने किसके साथ में रिएक्शन करा था, हमने इसको गर्म करा था, तो गर्म करने के बाद साथ में क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2O COOH से, और यहाँ पर क्या है आपका ऊपर देखो ये CHOH क्या है, यहाँ पर ये CHOH है आपका तीसरे कार्बन से, ठीक है, थर्ड कार्बन से, फोर्थ, फाइव, सिक्स, थर्ड और सिक्स कार्बन के बीच में आपका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड रिंग बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा थर्ड और सिक्स कार्बन के बीच में। तो यहाँ जो COOH था COOH, और यहाँ पर क्या था CHOH था, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, एक तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक ऑक्सीजन रह जाएगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई जब इसको हीट करोगे तो जल की जो मात्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो CHOH का एक OH और COOH का हाइड्रोजन, यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, बचा COOH, COOH का एक ऑक्सीजन बचा होगा यहाँ, ये क्या करेगा थर्ड और फिफ्थ सिक्स कार्बन के बीच में इस तरह से रिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, ऑक्साइड रिंग। अब क्या करना है इसका, सोडियम और मरकरी, ठीक है, क्या इसको अमलगम कहते हैं, इसके साथ में क्या होगा आपका एसिटिक एसिड क्या होगा CH3 और COOH इसके साथ में रिएक्ट कर दो, तो ये क्या करेगा प्रोटॉन को देगा, ठीक है, प्रोटॉन देगा, एसिटिक एसिड क्या करता है प्रोटॉन फॉर्मेशन करता है, तो जब ये प्रोटॉन देगा तो क्या होगा, तो प्रोटॉन यहाँ से दो हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, कितने, दो हाइड्रोजन आपको इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है, जब दो हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, तो एक OH कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर OH पहुंच जाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन और O तो पहले लगा हुआ तो ये OH बना लेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका CH2OH, CHOH, 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 CHOH और CHO, क्या हो जाएगा CHO, तो ये आपका फाइनली क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, क्या बन गया आपका, ग्लूकोज बन गया, दोबारा से इसको देख लेना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पूछ रहा है, अरेबिनोज इंटू ग्लूकोज, अरेबिनोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करो, या पेंटोज इंटू हेक्सोन, किसमें, पेंटोज को हेक्सोन में बदलो, या किलियानी फिशर सिंथेसिस, क्या किलियानी फिशर सिंथेसिस, ये तीनों एक ही नाम में एक ही रिएक्शन इनमें देनी है आपको। अरेबिनोज को HCN के घोल में घोला जाता है, अरेबिनोज को जब HCN के घोल में घोला जाता है तथा प्राप्त क्या प्राप्त हो गया यहाँ से, साइनोहाइड्रिन, ये याद रखना, जब हमने अरेबिनोज को HCN के घोल में घोला तो हमें क्या मिला, साइनोहाइड्रिन मिला, इसको नंबर एक BaOH, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइज, और दूसरा क्या है H2SO4 के द्वारा जल अपघटित करने पर ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है जिससे ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या अरेबिनोज को हमने HCN के जल में HCN में घोल दिया, उससे हमें क्या मिला साइनोहाइड्रिन मिला, साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन हमने दो चीज़ों से करा दी, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, इनके साथ में इसका क्या करा दिया, जल अपघटन करा दिया, जल अपघटन कराने पर हमको क्या मिल गया ग्लूकोनिक एसिड, जब ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा तो हम यहाँ से ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है आपको। तो चलिए हम बात करते हैं
ये आपका है ग्लूकोज, ठीक है, क्या है, अरेबिनोज, सॉरी अरेबिनोज को हमें कहाँ ले जाना है, ग्लूकोज। तो ये आपका क्या है, अरेबिनोज, जिसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो, तीन, चार और पांच, पांच कार्बन है, कितने कार्बन है, पांच कार्बन की श्रृंखला है अरेबिनोज में, ठीक है। तो इसको हमने किसमें डुबा दिया, पहले HCN के, ठीक है, HCN के घोल में, इसको जब हमने घोला तो कहाँ हुआ, जो फिफ्थ कार्बन था उसमें CN जाके लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका, CN और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाके आपके लग जाएंगे, ठीक है। और ये जो OH है वो इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया, यहाँ से, और ये CN आपका HCN से मिला है, ठीक है। तो फिफ्थ कार्बन पे आपका क्या हो जाएगा, CH, CN और OH, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइनोहाइड्रिन। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, इसका क्या करा दिया, जल अपघटन करा दिया। जल अपघटन कराने पर क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, क्या, ग्लूकोनिक एसिड। ऊपर जो कहते हो रहेगा, नीचे आपका क्या है, यहाँ पर CHOH का क्या था, होल थ्राइज था, लेकिन अब क्या है, होल फोर, कितने मिल गए हमें, चार कार्बन मिल गए, और एक ये कितने हो जाएंगे आपके, चार और दो छः, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन यही होगा, तीसरा यही होगा, फोर्थ यही होगा और फिफ्थ यही होगा, चार कार्बन है ना, एक दो तीन चार, और ये कौन सा हो गया, सिक्स। तो अब यहाँ पर हमें कितने मेंबर की रिंग, कितने मेंबर का मॉलिक्यूल मिल गया, छः कार्बन का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल गया, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। सिक्स वाले कार्बन पे COOH आ जाता है, बाकी सभी कार्बन क्या रहता है आपका, CHOH। ग्लूकोनिक एसिड से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से। अब हमने ग्लूकोनिक एसिड का क्या करा दिया, जल के साथ, ठीक है, इसको हीट कर दो तो कुछ जल की मात्रा होगी वो बाहर निकल जाएगी। सभी कार्बन पे क्या लगा रहा था आपका, चार CHOH फोर ग्रुप थे, और फिफ्थ सिक्स वाले कार्बन पे क्या था, COOH लगा हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो तीसरे कार्बन और छठे कार्बन, इन दोनों के बीच में से यहाँ पर CHOH था, CHOH, और यहाँ पर क्या था आपका, COOH था। तो यहाँ से जल की मात्रा, यहाँ का मान लो OH और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जल, ठीक है, जो कि बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा, COOH का, COO में COO जो दूसरा इसका ऑक्सीजन है वो, और इसका थर्ड कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे ऑक्साइड रिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गर्म करने पर पानी निकल जाएगा, और थर्ड और सिक्स कार्बन के बीच में एक ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका प्रोटोनेशन करना है, ठीक है, एसिड, किसी भी एसिड की उपस्थिति में इसका प्रोटोनेशन कर दो। ये क्या हो गया आपका, सोडियम और मरकरी, इसको अमलगम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमलगम नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कोई एसिड जरूर रहा होगा, क्या, कोई एसिड जरूर रहा होगा जो आपको क्या करेगा, प्रोटॉन दान करेगा, हाइड्रोजन देगा। तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये जो आपका ऑक्साइड रिंग बना हुआ है, इसी ऑक्साइड रिंग को देखो, अब इसका क्या कर दिया हमने, प्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है। वो प्रोटॉन कहाँ से मिलेंगे हमें, एसिड से मिलेंगे, कोई भी एसिड, यहाँ एसिड होगा यहाँ पर, वो क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा। अब ये दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, यहाँ से इसको मान लो क्या है, एक हाइड्रोजन और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, तो इस रिंग को अगर हम इस तरह से तोड़ दें, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले कार्बन पे OH के साथ में चला जाएगा, और यहाँ CO है, और ये हाइड्रोजन आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर भी CHO हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका CHOH हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हमने थर्ड और सिक्स कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, किससे, प्रोटोनेशन करने पर, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्लूकोज, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। तो ये आपको सिंथेसिस याद रखनी है। फोर्थ कह रहा है ग्लूकोज इंटू अरेबिनोज, ग्लूकोज को क्या, किस में बनाना है, अब अरेबिनोज में बनाना है, और हेक्सोज इंटू पेंटोज, और रफ डिग्रेडेशन, क्या, रफ निम्नीकरण, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम से जानी जाती हैं, चाहे आपका रफ डिग्रेडेशन आ जाए, चाहे आपका हेक्सोज इंटू पेंटोज आ जाए, चाहे आपका ग्लूकोज इंटू अरेबिनोज आ जाए, ठीक।